अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, दिस इज योर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 17. स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 75. टुडे आवर टॉपिक इज द एनिमल टिश्यूज. एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. टुडे वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ओके, बेसिकली देर आर फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सबसे पहले अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. बच्चे, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करवाएगा, ठीक है. इसका बेसिक फंक्शन ये है आपकी बॉडी में कि ये कनेक्टिव रोल प्ले करता है, ये चीज़ों को कनेक्ट करवाता है, जोड़ता है, उनमें लिंक पैदा करवाता है. एज द नेम शोज, कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स एज अ कनेक्टिंग फंक्शन. इसका ये फंक्शन है कि ये चीज़ों को कनेक्ट करवाता है, इसका ये रोल है. इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स द अदर टिश्यू. ये आपकी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है. और इसके अलावा ये दूसरे टिश्यूज के साथ जो है वो उनकी बाइंडिंग में रोल प्ले करता है, उनको आपस में बाइंड करवा देता है, जुड़वा देता है, ठीक है, ये इसका काम है. नेक्स्ट, अनलाइक द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैव द सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. अब इसकी लोकेशन क्या है, ये आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इसके आपको पता है कि जैसे कि ये एक टिश्यू है, तो टिश्यूज बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, सेल से. तो इसके जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ये सेल में मैट्रिक्स जो है वो एक लिक्विड मटेरियल होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स कि आउटसाइड द सेल जो मैट्रिक्स होगी वहां पे इसके सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू. ये वो चीज़ें हैं जी, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बच्चे कार्टिलेज क्या होती है. कार्टिलेज इज एक्चुअली फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बोन्स. बोन्स के जो एंड वाले रीजन होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. हमारी एक्सटर्नल ईयर में कार्टिलेज होती है, नोज में कार्टिलेज होती है और ट्रैकिया में होती है, ठीक है. तो कार्टिलेज किस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, अब कार्टिलेज और नेक्स्ट कंपोनेंट है बोन. बच्चे अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस होता है. दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज इज फ्लेक्सीबल, या हम इसको कह सकते हैं ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बोन जो है वो एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है. ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं. कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा. जैसे कि ये हमारी बोन है, ठीक है, ये टू बोन्स हैं. इनके सेंटर में जो आपको नजर आएगा रीजन जो कि इनको आपस में कनेक्ट करवा रहा है, इसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है. ये हमारी बोन्स हैं, जहां पे टू बोन्स आपस में मीट करते हैं उस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं. और इसके सेंटर में कौन सी चीज है, कार्टिलेज है, जो कि एज अ शॉक अब्सॉर्बेंट भी काम करती है, ठीक है. और ये एक बिल्कुल इलास्टिक सा स्ट्रक्चर होता है जो हमें मूवमेंट में भी रोल प्ले करेगी, ठीक है. तो इस तरह कार्टिलेज इसके अंदर होती है जो इलास्टिक है, आप इजीली मूव कर सकते हो इसकी वजह से, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारी, जो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जैसे कि ये मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है. ये हमारी टू बोन्स हैं, ये जिस पॉइंट में मीट करती हैं इसको जॉइंट कहते हैं. और इसके सेंटर में जो आपको ब्लू कलर का रीजन नज़र आ रहा है, ये कार्टिलेज है. तो अब हमें क्लियर हो गया कि कार्टिलेज जो है कहाँ पर होती है, बोन्स के एंड्स पे होती है. आपका जो ईयर का, हमारा जो कान का एक्सटर्नल रीजन होता है, बेरोनी जो होता है, वहाँ पे कार्टिलेज होती है. नोज में और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप भी कार्टिलेज से मिलके बनी होती है. ये इजीली मूव कर सकती है, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, लचकदार होता है. नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बोन्स में होते हैं, ठीक है. जैसे कि आपको अब बुक पेज नंबर 76 पे नजर आ रहा होगा बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है. बोन के स्ट्रक्चर में आपको बोन सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एक मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स नजर आ रहा है. तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ब्लड का जो है उन्होंने दिखाया हुआ है कि ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, और ये साथ अंदर जो है इसके प्लाज्मा होते हैं, ठीक है. प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट आपको दिखाया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यूज, ठीक है. ये फैट को अपने अंदर स्टोर करते हैं. तो इसमें आपको दिखाया हुआ है ये येलो कलर के फैट के ड्रॉपलेट्स हैं और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये सबके सब किसकी कनेक्टिव टिश्यूज हैं इन एनिमल बॉडी. अब नेक्स्ट, यहाँ पे ब्लड में भी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. लास्ट वन इज द कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू. बच्चे एडिपोज टिश्यूज हमारी बॉडी में देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं. एडिपोज टिश्यू फाउंड अराउंड द किडनीज, आपकी किडनीज के जो है अराउंड प्रेजेंट होते हैं. अंडर द स्किन, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं. एंड एब्डोमेन और हमारी बेली वाली जो रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये फैट्स को स्टोर करते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है.
ये प्रोवाइड करते हैं आपको एनर्जी प्लस स्पोर्ट, हमारे जितने भी इंटरनल विजरल ऑर्गन्स हैं ना उन पे, उनको स्पोर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने उसके साथ एडिपोज टिश्यूज़ बनाए होते हैं, वो टिश्यूज़ जो हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो फैट की फॉर्म में एनर्जी को अपने पास स्टोर रखते हैं। तो यहाँ पे आपको उनके रीजन भी पता चल गए। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज द मसल टिश्यू, ठीक है। अब हम मसल टिश्यू को डिस्कस करते हैं बच्चे। मसल टिश्यू एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर्स। आपके मसल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है टू टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है स्केलेटल सिस्टम, एक होता है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और ये दोनों सिस्टम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, जिसको हम मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और ये आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जी। मसल टिश्यू में वो कह रहा है कि आपकी मसल टिश्यू किस चीज पे कंसिस्ट करते हैं, लॉन्ग सेल्स, बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनको मसल फाइबर्स कहते हैं, ये आपके मसल्स में होते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल। सारी अगर हम टिश्यूज की टाइप्स को ओवरव्यू करें तो सबसे ज्यादा अबंडेंट टाइप जो होती है एनिमल्स में वो मसल टिश्यू की टाइप है। एंड दी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव अबिलिटी टू कंट्रैक्ट। इस टिश्यू में जो मौजूद सेल्स होते हैं उनके पास ये सलाहियत होती है, उनके पास ये काबिलियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका बाजू आपकी मर्जी, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करो या उसको रिलैक्स करो, तो वो मसल्स की हेल्प से आप उसको मूव करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं और वो हमारी बॉडी में मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। यहाँ पे थ्री टाइप्स होती हैं मसल टिश्यूज की। फर्स्ट वन इज स्केलेटल, सेकेंड वन इज स्मूथ जो है वो मसल्स होते हैं, इसके अलावा कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बच्चे आपको ये थ्री डायग्राम्स दिखाई गई हैं, ये आपको स्केलेटल मसल रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। बच्चे ये ऐसे मसल्स की टाइप होती हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर एक्चुअली अटैच टू द बोन्स एंड दे आर सैचुरेटेड मसल्स। सैचुरेटेड का मतलब ये है, जैसे कि आपको डायग्राम में गिवन है, ये आपका एक स्केलेटल मसल है, ये बोन्स के साथ अटैच होता है और इसमें सैचुरेटेड मसल्स हैं, मीन्स कि इसमें सैचुरेशंस होती हैं। सैचुरेशंस का मतलब है कि इसमें लाइनिंग जैसे कि आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसमें लाइनिंग बनी हुई है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये सैचुरेटेड मसल्स हैं। दे हैव मैनी स्ट्रिप्ड, जैसे एज यू कैन सी दीज ब्लैक कलर लाइन्स शो दैट दे हैव स्ट्रिप्स। ओके, नेक्स्ट दे हैव कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, इनमें बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये एक अगर मसल फाइबर इसके अंदर आपको दिखाया गया है तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये हमारे जाहरी बात है स्केलेटल मसल्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच है, तो ये मूवमेंट भी किसकी करवाएंगे, बोन्स की मूवमेंट करवाएंगे। एंड स्केलेटल मसल्स आर एक्चुअली वॉलंटरी इन देयर एक्शन। वॉलंटरी का मतलब है कि देयर कंट्रैक्शन आर रिलैक्सेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। हमारी मर्जी है कि हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी जो होते हैं, ये आप मतलब कि आपकी मर्जी से मूव करते हैं। वॉलंटरी मीन्स के आप इनको अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मसल्स आर स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब हम देखते हैं स्मूथ मसल्स की आपकी बॉडी में लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स आर एक्चुअली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल। ये हमारी एलिमेंट्री केनाल में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री केनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स टू द एनस, ठीक है। फूड की डाइजेशन में फूड ने जहां जहां से पास करना होता है, गुजरना होता है, उस पूरे पाथवे को एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, तो उसकी वॉल्स स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ऐसा एक मस्कुलर सैक होती है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, थोड़े से टाइम के लिए स्टोर होता है, और उसकी वाल्स भी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, वो भी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एक करेक्टर ये है कि दे आर नॉन सैचुरेटेड, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें कोई सैचुरेशन, कोई स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं है। एंड दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, और हर आपको स्ट्रक्चर में ये जो नजर आ रही हैं इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें तो ये था कि इसमें सैचुरेशंस भी थी एंड दे हैव मैनी न्यूक्लियाई, और यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें सैचुरेशंस भी नहीं होती। एंड देयर रोल इज फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इसका भी रोल मूवमेंट था, लेकिन इसका रोल था मूवमेंट ऑफ बोन्स, और इसका रोल है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को मूव करवाना, एलिमेंट्री कैनाल में फूड को मूव करवाना, ब्लड वेजल्स में से ब्लड को मूव करवाना, तो ये अपने अंदर से मटीरियल को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट टाइप ऑफ द मसल टिश्यू इज कार्डियक मसल्स। बच्चे कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक जो है ये वर्ड एसोसिएटेड होता है हार्ट के साथ, तो हार्ट की वॉल्स में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, देयर सेल्स आर आल्सो सैचुरेटेड। इनमें भी जैसे आपको सैचुरेशंस नजर आ रही हैं, ठीक है, कि इनमें भी लाइनिंग्स हैं, तो ये सैचुरेटेड मसल्स हैं।
इसके अलावा बट देर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल. एक बात आपने याद रखनी है, इसमें बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस और इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इन दोनों में सेट्रिएशंस होती हैं और स्मूथ मसल में सेट्रिएशंस नहीं होती. व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज एक्चुअली दे प्रोड्यूस द हार्ट बीट. ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स, तो ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाते हैं. एंड दे आर एक्चुअली इनवॉलंटरी इन देयर एक्शन. ये इनवॉलंटरी होते हैं देयर एक्शन. ये दोनों मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, आर इनवॉलंटरी इन देयर एक्शन एंड स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन देयर एक्शंस. इनवॉलंटरी का मतलब है कि ये जो हैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम करते हैं, ये आपकी मर्जी से काम नहीं करते, ठीक है. देयर कंट्रैक्शन इज नॉट द अंडर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. ये हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगे. ओके, द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू, वी नो दैट, जैसे कि आपको पता होगा कि एनिमल सर्वाइवल डिपेंड अपॉन इट्स अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट. कहते हैं कि एक एनिमल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उसके अंदर ये अबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसके इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई कह सकते हैं कोई ऐसा चेंज है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है, जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है. अब स्टिमुलाई अगर आपके एनवायरनमेंट में से कोई आया और आप उसके अगेंस्ट रिस्पांस प्रोड्यूस करवाते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है. जो रिस्पांस करते हैं वो इस जो हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैं, वो इस नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है. दिस एबिलिटी रिक्वायर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो जाहिर है अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है और आप रिस्पांस प्रोड्यूस करते हो, तो इसके लिए फिर हमारी बॉडी में एक कम्युनिकेशन सिस्टम का होना जरूरी है, और वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो नर्वस टिश्यूज करवाते हैं, और उसको हम नर्वस जो है हम अपना नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज द नर्वस टिश्यू फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम. नर्वस टिश्यू बनाते हैं ये वाला सिस्टम आपकी बॉडी में, और ये टास्क परफॉर्म करवाते हैं. कौन सा टास्क? अगर कोई स्टिमुलाई आए और आपने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना है. दिस टिश्यू इज मेनली कम्पोज ऑफ द नर्व सेल और न्यूरोन. ये टिश्यू बेसिकली किस चीज पे कंसिस्ट करता है? नर्व सेल पे, या इसको आप न्यूरोन भी कह सकते हैं, ठीक है. विच आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है. दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम. ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फंक्शनल यूनिट है. इसका ये काम है कि ये आपकी बॉडी में मैसेज को कंडक्ट करवाता है. आपकी बॉडी एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट तक जो है वो मैसेज को लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. और नर्व इम्पल्स जो है ये एक वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है. ये आपकी बॉडी में जो है वो मैसेज को ट्रांसफर करवाती है, ठीक है. नर्व इम्पल्स मैसेज को कंडक्ट करेगी, लेके जाएगी, और इसको जनरेट कौन करता है? नर्व सेल और न्यूरॉन. और नर्व सेल इज द टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू. ओके, वेयर दे आर फाउंड? ये कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में? नर्वस टिश्यू इज एक्चुअली फाउंड इन द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और नर्व्स में होते हैं. नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं. नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि आपकी होल बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया न्यूरॉन का, ठीक है. ये एक नर्व सेल है. ये हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम करवाता है. ये नर्व इम्पल्स जनरेट करवाता है. हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और ये आपकी बॉडी में मैसेज को कंडक्ट. जैसे कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स दिखाए हैं, ये कार्डियक मसल्स हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स उन्होंने आपके आर्म में दिखाए हैं, और स्मूथ मसल्स हमारे स्टमक में, ठीक है. स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में. ऑन योर बुक पेज नंबर 78 यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं. ये आर्म में दिखाया गया एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन में होता है. मसल टिश्यू, ये मसल्स हैं हमारी बॉडी में. नर्वस टिश्यू होते हैं, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं. ये ब्लड प्रेजेंट होता है यहाँ पे. कार्टिलेज होती है टू बोन्स के दरमियान में, और ये बोन स्ट्रक्चर. तो ये सब डिफरेंट टिश्यूज हैं ह्यूमन बॉडी में.